मैंने एल्गो ब्रिज के नाम से इसको सेव कर दिया। अब अगर मुझे अगला इंडिकेटर लगाना है ना, तो मुझे ये सब चीज़ें बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन टाइम में ही मेरा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सुपर ट्रेंड नॉर्मल पे आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे सुपर ट्रेंड नॉर्मल पे आने से पहले मैं आपका टाइम फ्रेम 1 मिनट कर देता हूँ, क्योंकि 1 मिनट पे करने से थोड़ा जल्दी सिग्नल जनरेट होगा और हम जल्दी से देख पाएंगे कि ऑटोमेटिक ट्रेड कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम गए इनपुट्स पे। इनपुट पे हमने इसको लोड किया, लोड करने के बाद एल्गो ब्रिज सेलेक्ट कर लिया। अब जो हमारी सेटिंग थी ना नीचे वाली, वो देखो आप यहाँ पे सारी सेट हो गई है। अब हमें क्या करना है, पैरामीटर्स को फास्ट करना ताकि जल्दी से सिग्नल आए। तो पैरामीटर में बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये ऐसा पैरामीटर आपको यूज़ नहीं करना क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं है। बस ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी सिग्नल जनरेट हो जाए, और उसके बाद मैं आपको इसके इनपुट्स भी बताऊँगा। पहले हम ट्रेड करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है, मैंने नीचे की टर्मिनल विंडो पूरी की पूरी यहाँ से क्लियर कर दिया। नए सिग्नल का वेट करते हैं, और जैसे नया सिग्नल आएगा तो हम देखते हैं किस तरीके से वो ऑर्डर प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो आपको देखा होगा यहाँ पे कि एक ऑप्शन यहाँ पर आया है आपको सेल का। ठीक है, अब सेल के सिग्नल पे हमारा पुट बाय होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर हम अपने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, और हम अपने प्लेटफॉर्म पे जाके यहाँ पे एक बार ब्रिज ट्रेड हिस्ट्री में देखेंगे कि हमारा क्या ट्रेड हुआ है। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिग्नल दिखा रहा है निफ्टी, बाय दिखा रहा है, सुपर ट्रेंड नॉर्मल दिखा रहा है, एंट्री दिखा रहा है और सक्सेस दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम जब अपने ऑर्डर बुक में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा 24 तारीख को 5:08 पे एक ऑर्डर गया है बाय NSE 23 जनवरी 18,150 PE। PE यानी पुट, क्योंकि हमारा जो MT4 पे सिग्नल था वो सेल का था, इसलिए हमारा PE का ट्रेड हुआ है। अगर वो बाय का होता है तो हमारा CE का ट्रेड होता। अब अगला जो ट्रेड आएगा वो इसको क्लोज कर देगा और नया फ्रेश बाय बनाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देखने वाली है कि हमारा जो ट्रेड नहीं हुआ तो अगले ट्रेड के लिए भी ये यहाँ पे इसको फेल्ड बताएगा और अगला ट्रेड नहीं करेगा। ये तो था ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का। और प्लेटफॉर्म पे अगर आप यहाँ पर चाहते हैं मैनुअल ट्रेडिंग भी करना, तो यहाँ पर मार्केट वॉच का सेक्शन है। यहाँ पे कोई भी सिग्नल आप ट्रेड कर सकते हो, जिस में मर्जी में आप ट्रेड डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे ONGC आ रहा है, मान लीजिए मुझे CNC में यहाँ पे 20 क्वांटिटी करना है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से प्लेस करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर ये देखो, इसने एक रिजेक्शन दिया कि आपका ऑर्डर नहीं हुआ क्योंकि इनसफिशियंट फंड था आपका। अगर फंड होता तो हो जाता। जैसे यहाँ पे मान लो एक स्टॉक में मैं करना चाहता हूँ, ये मैंने एक किया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो प्लेस किया ऑर्डर, तो यहाँ पर दिखाएगा प्लेस हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री में जाके मैं देख सकता हूँ, ये देखिए आप, ये मेरा प्लेस हो गया सक्सेसफुली ऑर्डर यहाँ पे, और ये इसने ऑर्डर आईडी दे दिया। इससे पिछला जो 20 क्वांटिटी दिखाया उसमें हमें रिजेक्शन का मैसेज आया, फंड रिजेक्शन का। ठीक है, ये देखो आप, लिमिट नहीं है जो भी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप मैनुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हो, साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कॉपी ट्रेडिंग करना तो कॉपी ट्रेडिंग करना भी यहाँ पे बहुत आसान है। जब आप मास्टर का अकाउंट बनाते हैं तो आपको यहाँ पर क्रिएट एक और ट्रेड आ गया है, देखो बाय का। अब हम देखेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे जाके दोबारा से, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसने वाइस वर्सा का ट्रेड किया और फिर एक एंट्री लिया। इसका मतलब है कि इसने पहले एक पुट का ट्रेड किया, यहाँ पर ये फेल्ड दिखा रहा है। ठीक है, ये फेल्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ऑर्डर हमारा एंट्री का लगा नहीं था, इसलिए ये यहाँ पर इसने ऑर्डर अगला भेजा नहीं। उसके बाद इसने अगला एंट्री का ऑर्डर ट्राई किया, लेकिन यहाँ पर क्या किया इसने, पहले इसने जो पुट है ना वो उसको क्लोज किया है, और उसके बाद फिर कॉल को बाय किया है। यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री में हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर ये इवेंट दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको सिर्फ एक ही CE का इवेंट दिखाई दे रहा है। PE का इवेंट इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि PE का ट्रेड हमारा ऑलरेडी लगा ही नहीं था। अभी CE का ट्रेड दिखा रहा है क्योंकि CE का इसने भेजा नया बाय के लिए सिग्नल, क्योंकि पुराना वाला सिग्नल गया नहीं तो उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिकेटर के अगर इनपुट्स की भी बात करूँ तो मैं आपको साथ ही साथ वो भी दिखा देता हूँ क्या क्या इनपुट्स हैं आपके पास। आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए इनपुट्स दिए हुए, कितने बजे से कितने बजे तक ट्रेड करना है। अगर सिर्फ बाय के सिग्नल लेने हैं तो आप सिर्फ बाय ले सकते हो, सिर्फ सेल के लेने सिर्फ सेल के ले सकते हो। दोनों साइड के ट्रेड के लिए मेट्रो को यूज़ करना है। उसके बाद स्टॉप लॉस फॉल्स और ट्रू दिए हुए हैं। स्टॉप लॉस को ट्रू करोगे तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉप लॉस टाइप में नॉर्मल, ट्रेलिंग, ब्रेक इवन, तीन अलग अलग टाइप के स्टॉप लॉसेज हैं। और यहाँ पर ट्रेलिंग का स्टेप डालने का ऑप्शन है। देन टारगेट अगर आपको अप्लाई करना है तो टारगेट को ट्रू कर देंगे, डबल क्लिक करने से ट्रू फॉल्स के खुल जाते हैं। आप इसको इस तरीके से ट्रू फॉल्स कर सकते हो। अगर री एंट्री लेनी है आपने, यानी कि एक बार एंट्री आ गई फिर से दोबारा से सेम डायरेक्शन में एंट्री लेनी है, तो री एंट्री को ट्रू करना है। और यहाँ पर लिखा है सेम ट्रेड नेक्स्ट डे। अगर मान लीजिए पुराने दिन में आपका बाय सिग्नल चल रहा था और अगले दिन आप आते ही फिर से बाय करना चाहते हो तो ये वाले बटन को ट्रू कर दोगे, तो अगले दिन जैसी मार्केट ओपन होगी आपका तुरंत से बाय कर लेगा ये फिर से। ठीक है, नीचे बाकी के ऑप्शन जो दिए रखे हैं वो सारे ब्रोकर से रिलेटेड है, जो सब आपको पता ही है। MIS नॉर्मल करना, मार्केट करना, ऑप्शन करना नॉर्मल करना है, ATM, ITM, जो भी आपको करना है आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है,
इस तरीके से ये इंडिकेटर जो आपका काम करता है। और इस इंडिकेटर में मैं अभी इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये बार बार अनवांटेड अलर्ट्स देगा। अब हम अपने प्लेटफॉर्म पर वापस आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी ट्रेडिंग अगर आपने करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। सिंपली कॉपी ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी यूज़र का आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र को अकाउंट क्रिएट करेंगे तो जो यूज़र की आप ईमेल डालेंगे उस ईमेल पे उनको मेल चला जाएगा आईडी पासवर्ड का। अगर आप ईमेल डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते तो आप कुछ भी अपने मर्ज़ी से ईमेल या पासवर्ड वगैरह डाल के अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे यहाँ पर क्रिएटेड अकाउंट में आपको अकाउंट दिखाई देंगे कि कौन कौन से। जैसे मैंने यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर रखा है, उसमें मुझे दिखा रहा है क्या फ़ंड अवेलेबल है, कितना क्या है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग के टैब में, यहाँ पर आप कुछ भी अपना भी पासवर्ड चेंज कर सकते हो और सिंबल क्रिएट कर सकते हो जिनमें आपका ट्रेड करना है। जैसे कि अगर मैं आपको कॉपी ट्रेडिंग करके दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, उसका अकाउंट का नाम मैंने डाला टेस्ट, ठीक है। ईमेल भी मैंने डाला test@test.com, मोबाइल नंबर में मैंने डाला 22, पासवर्ड में डाला 123456, ठीक है। तो ये मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्रिएटेड अकाउंट में जाऊँगा तो मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पर एक अकाउंट है जिसका कोई अभी ब्रोकर सिलेक्टेड नहीं है, कोई अभी टोकन नहीं ले रखा, ठीक है। तो अब हम जो है ना एक नया लॉगिन करते हैं और एक टोकन लेते हैं। अब यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद यहाँ पे डिस्क्लेमर आएगा, ठीक है, ट्रेडिंग के बारे में। और डिस्क्लेमर को अगर आप एग्री करते हो तो आप अंदर प्लेटफॉर्म में एंटर हो जाएंगे। और उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन में जाके अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी ब्रोकर में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, मान लो मैं जीरोधा में करना चाहता हूँ तो मैं जीरोधा का अकाउंट यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो TOTP डालना, TOTP आपको आपके मोबाइल में आता है, जो ऑथेंटिकेटर की ऐप होती है उसमें आपको दिख जाता है, तो वहाँ से आप डाल सकते हो। मैंने डाल दिया, इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे तो टोकन जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मुझे टोकन मिल गया। अब अगर मैं वापस से अपने मास्टर के अकाउंट में जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, जब मैं मास्टर के अकाउंट में जाऊंगा और क्रिएटेड अकाउंट्स पे जाऊंगा तो ये दिखा रहा है वैलिड है, ठीक है। वैलिड भी दिखा रहा है, अवेलेबल बैलेंस 0 दिखा रहा है और डेज लेफ्ट 1 दिखा रहा है, यानी कि एक दिन के लिए अब ये कॉपी ट्रेडिंग करने के लिए अवेलेबल है ये अकाउंट, ठीक है। अब इस अकाउंट में मुझे अगर ट्रेड करना है तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई ट्रेड करूँगा, मार्केट वॉच पर जाता हूँ और मान लीजिए मैं ONGC का सेल करता हूँ MI इसमें, ठीक है। मैंने जो भी बाय किया था एक लॉ और उसको एक शेयर उसको सेल कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको सेल करूँगा यहाँ पे तो जैसे प्लेस यहाँ पर दिखा रहा है कि RMS का रिजेक्शन आ गया कि ट्रेड नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे ट्रेड हिस्ट्री में, ठीक है। ट्रेड हिस्ट्री में आप देखेंगे कि दो अकाउंट में ट्रेड गया है, एक जीरोधा का अकाउंट में गया है ONGC सेल और एक ये गया है फायर्स के अकाउंट में। ये दो अलग अलग अकाउंट दिखा रहा है। अब आप चाहें तो उस अकाउंट में जाके भी देख सकते हो। मैं यहाँ पर लॉग आउट करके उस अकाउंट को लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने दूसरा अकाउंट खोल दिया यूज़र का। उसमें आप अगर हम ट्रेड हिस्ट्री में जाएंगे यहाँ पे ऑर्डर बुक, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट दिखा रहा है, आज की दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है 3:15, ONGC MIS 1 लॉट रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट का रीज़न बता दिया कि 30 मार्जिन रिक्वायर्ड है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होता है और मैनुअल ट्रेडिंग होता है और साथ ही साथ कॉपी ट्रेडिंग होता है। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी है, फायर्स के अकाउंट से आपको दिखाया किस तरीके से किया और जीरोधा के अकाउंट में कॉपी ट्रेडिंग करके दिखाया। हमारे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे अलग अलग ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू आप कॉपी ट्रेडिंग और ब्रिजिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया आपको डिस्क्रिप्शन सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी या कन्फ्यूज़न है तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।